गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, और आप सभी को पता है कि आपकी मैथ कवर हो चुकी है, डीआई कंप्लीट हो चुकी है, और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग के संबंधित रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेरी रहती है आपको बता देना है, हैंड टू हैंड जो भी आपके प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक, दोस्तों पहला काम तो ये कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से है, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हम शून्य से चलेंगे, शून्य से आपके अनंत जिस भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं तरीके सिखाऊंगा कि कौन सा तरीका किस तरीके से हैंडल होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, वो हम सब बातें करने वाले हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन पढ़ाने का यही मतलब रहता है कि आपके कोई एक क्वेश्चन से मतलब नहीं रहता मेरा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे सोल्व करना है। मैं आपको वो तरीके सिखाता हूँ कि आपके पास अगर उस टाइप का या उससे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप उसे आसानी से सोल्व कर सके, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझ में आए। ठीक है, अगर वो तरीके समझ में आ चुके हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपको ये फायदा रहेगा कि एमसीक्यू पीवाईक्यू वो टेस्ट सीरीज आपके देने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। अगर जो भी तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी सेट की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफर है, 75% ऑफ चल रहा है अभी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 6 महीने वैलिड रहेगा ये। ठीक है, तो आपको अभी ही ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 1699 रुपए का है, अगर जो भी सेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए। ठीक है, कोई भी पूछना है, कुछ भी पूछताछ करनी है, तो आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहती है तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अटेंड अभी एक दो दिन नहीं उठाया जाएगा, कल आपको, आज या कल में उठा लेंगे। ठीक है, तो आप इन नंबर पे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी साइट दी हुई है, अगर किसी को भी पीडीएफ डाउनलोड करने में या किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वो वहां पर आपको साइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, पीछे वाले क्लास के जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपके पास पुरानी क्लासें मिलेगी, वो सब प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब पे, आपको सारी क्लासें वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, पुरानी पूरी पूरी क्लासें मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और यूजीसी नेट 2023 के लिए अगर तो कोई भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, तो आपके लिए 699 का कोर्स है, फर्स्ट पेपर का, तो ज्वाइन कर लीजिए, 75% ऑफ है, इस पे चल रहा है, तो जरूर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्विज ज्वाइन करनी है दोस्तों, मैंने क्विज के लिए बता दिया है, ऑनलाइन क्विज अगर आपको अटेंड करनी है 12 बजे से अटेंड करनी है। अगर क्विज ज्वाइन करने में आपको परेशानी आ रही है, ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, ठीक है, आप इन पे बातचीत करके यही आपका सुलझाना हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्णा। हाँ बिल्कुल, जिसका भी आप सेट की तैयारी कर रहे हो, सबकी प्रिपरेशन यही रहेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, यूजीसी नेट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की, अब आप कोई सा भी स्टेट से सेट का एग्जाम दोगे ना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है सेम डिट्टो वैसा का वैसा रहता है, पूरा पैटर्न ऐसा का ऐसा रहेगा। यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो सेम वैसा का वैसा रहेगा, लेवल थोड़े कम आते हैं इसमें। और यूजीसी में तो देखो, सेंट्रल का है तो आपको पता है कि इसमें लेवल थोड़ा हाई आएगा, स्टेट का है तो आपके लेवल थोड़ा कम पड़ेगा, बाकी तरीका वही का वही रहेगा, कहीं क्वेश्चन तो आपके सीधे यूजीसी नेट के उठ के ही आते हैं। ठीक है, पूरा पूरा ऐसा का ऐसा रहता है। ठीक है, और मिशन जीआरएफ आप सभी को पता है कब से स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। और क्लासें, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको फिर से बताना चाहूंगा कि 8 बजे आपकी करंट की क्लास होती है जीके की, ठीक है, 9 बजे पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है निधु मैम की, ठीक है, 10 बजे आपकी उषा मैम की क्लास होती है यूनिट फर्स्ट की, 11 बजे आपकी क्लास होती है मैथ की, जो मैथ की अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हमने डीआई कवर कर ली है। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक चल रहे हैं, रीजनिंग के बाद में आपकी लॉजिकल रीजनिंग चलेगी, और वो भी जैसे सिलोलिज्म हुए, ठीक है, आइदर और वाले, नाइदर और वाले, वो सभी हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। इन्हीं में ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉजिकल रीजनिंग में आपको, और उन क्वेश्चनों में आपको मैं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मेरे साथ साथ बने रहिए, मैं आपको कहीं भी इनमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है,
तो ये थे इसके बारे में जो हमारी क्लास होती है, उन सभी के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। आईसीटी की क्लास आपकी 9 बजे होती है शाम को, तो अटेंड जरूर करनी है। ये थी आपकी फर्स्ट पेपर की क्लासें, ठीक है। और आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम डेट रहेगी, ठीक है। 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रही है अब? अच्छा, कुछ दिनों से बंद हो गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो जब भी फॉरम होगा सेट का, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा तारीख से कब स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब अगर आपको देखो फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में, या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आपको मैं ग्रुप के नंबर दे देता हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, 88 24 21 24 05, ठीक है, इनपे मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, दोनों ग्रुपों में, जिससे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और आपके जो भी आप कोई भी डाउट रहता है, डाउट वाले ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल कोई नहीं करेगा वहां पर, अटेंड कोई नहीं करता, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। जितेंद्र सर की क्लास इसलिए नहीं होती, वो अभी शादी में बिजी है, ठीक है, निधु मैम की शादी में, तो इसलिए वहां से आते ही आपकी क्लास अटेंड कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है। चलो तो ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो भी देखो दिसंबर वाली तैयारी कर रहे हैं, 21 फरवरी को आपका जो एग्जाम है उसके लिए, अगर जो नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं जून वाले के लिए, तो 13 जून को उनका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फर्स्ट फायदा रहेगा इसमें, ठीक है। चलो तो ये थी अपनी जो क्लासे, आज तक हमने जो 2 तारीख से क्लासे अटेंड की है, जितनी भी क्लासे हमें 2 तारीख से स्टार्ट हुई है, वो सभी क्लासे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये क्लासे आपकी थी, ध्यान रखना है। आगे की बता देता हूँ, आगे की आपकी क्लासे इस प्रकार रही थी, 18 19 20, जितनी भी डेट वाइज है मैंने सभी आपको यहाँ पर अपलोड कर दी है कि कौन सी क्लास कब कब हुई है, ठीक है, और आगे कौन सी होने वाली है, ठीक है। जिसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर पूछिएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्लास अपनी कल हो चुकी थी, ठीक है। आज आपका जो टॉपिक रहेगा 25 जनवरी, 25 जनवरी को आपका रिलेशनशिप वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है। 25 जनवरी को आपका कौन सा टॉपिक रहेगा? रिलेशनशिप वाला, यानी आज आपका जो टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप। बाकी जो भी क्लासें हैं नीचे देख लीजिएगा कि कौन सी क्लास किसको होगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर बता देना है, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये क्लास है। तो वैसे लॉजिकल रीजनिंग का बता दूं मैं आपको, पहले हम एनालॉजी और वेन डायग्राम दोनों को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगा एनालॉजी, डायग्राम बाद में करवाऊंगा, ठीक है, वेन डायग्राम वाला है। वेन डायग्राम की बात करूं, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, दोनों ध्यान रखना। ये भी यानी लॉजिकल रीजनिंग आपको 29 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के ही पार्ट है, वेन डायग्राम हुआ, एनालॉजी हुआ, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग वाले जो भी आपको क्लासें के अकॉर्डिंग मिल जाएगी कि कौन सी क्लास किस दिन होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, चलो आप मैसेज कर दीजिए, नाम के साथ मैसेज करना है आपको, नाम भी भेजना है, ठीक है, नाम भेज दीजिए और मैसेज कर दीजिए उस पर, ठीक है, कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर ले, यहां तक तो आपकी क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो आप तक की क्लास हुई है उसके बारे में, ठीक है, चलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो आज आपका जो रिलेशनशिप वाला टॉपिक रहेगा उससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित जो भी आपका रहेगा मैं आपको बता देता हूं पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इसमें। रिलेशनशिप में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि डायग्राम के अनुसार काम करना है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल देखो, जिसकी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा, सेट की हो चाहे किसी की भी हो, ठीक है, जब भी फिर फॉर्म फिलअप होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
देखिए, बार बार बताने से क्या फायदा है, बाद में क्लास के बाद में जाइएगा और वापस से नंबर देख लीजिएगा, उससे आपको भी फायदा रहेगा, नहीं होगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, जाके देख लेना दोबारा से। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा मैं। देखो, अभी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगा कि आपका स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है सुशील जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जो आज का आपका सेशन है उसके बारे में। सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम, जब भी आपको आप जब भी आप रिलेशनशिप वाला टॉपिक करो, ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आरेख बनाइए, यानी डायग्राम के अनुसार काम करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। डायग्राम के अनुसार कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए पूछा है, अब व्यक्ति के पिता की बात कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति के अगर पिता की बात करता है आपसे, ठीक है, व्यक्ति के पिता की बात करता है, तो आपको कभी भी इस प्रकार का लिखना है, यानी ऊपर बनाना है पिता को। ठीक है, पिता की बात करता है या माता की बात करता है, दोनों को आपको ऊपर ही बनाना है। ठीक है, पिता और माता। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखना है, जब भी माता पिता हो, ठीक है, या कोई भी शादीशुदा जोड़ा हो, तो उसको एक डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अगर पिता, अगर कोई व्यक्ति दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, व्यक्ति कहा है, भाई कहा है, ठीक है, ब्रदर कहा है, या कुछ अंकल कुछ भी कहा है, अगर पिता के यानी प्लस है, उसको तो प्लस मान लेना है। ठीक है, प्लस मानना है, यानी जो भी जेंडर की तरफ ध्यान दोगे ना आप, तो वहां पर आपको कुछ भी वहां पर नहीं लिखना है, वहां पर आप प्लस से समझ जाओगे कि ये आपके पास व्यक्ति जो भी है वो आपके पास है, आपके पास मेल है। ठीक है, प्लस से, और फीमेल के लिए आपको माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों का अर्थ समझते हुए चलना है। ठीक है, अगर देखो व्यक्ति है और व्यक्ति की बहन के लिए कहा जा रहा है, तो व्यक्ति की बहन आपको इस बराबर में ही बनाना है, बहन। ठीक है, बहन, यहाँ पर जो भी नाम लिखोगे बहन के लिए लिख लेना, उसको डिब्बे में बंद मत करना। ठीक है, उसमें खुला रख देना, उसके पता चल जाएगा कि आपकी ये बहन है। ठीक है, अगर पत्नी आए इस व्यक्ति की, तो पत्नी को देखो डबल लाइन कर देना है, और यहाँ पर पत्नी जो भी नाम दिया हुआ है उसको लिख देना है, और एक डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, पिता जब भी लिखे ऊपर लिखना है, पुत्र लिखे जब भी आप लिखो तो नीचे बनाना है डायग्राम। ठीक है, समझना, अभी मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। डायग्राम के अनुसार काम करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप चीजों को समझते हुए आसानी से चलोगे। ठीक है, बिल्कुल, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहीं कहीं बार क्या होता है, प्रश्न में जिस व्यक्ति के साथ आपको के और आपके पास से कुछ संबंध दिए होते हैं, तो आपको ये जब भी दिया हुआ हो के और से, ठीक है, शब्द लगा हो, संबंध उसी व्यक्ति के साथ ज्ञात करते हैं जिसके साथ से लगा हो, से शब्द वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर कहा, ठीक है, इस प्रकार, मोहनलाल का मनीष से क्या संबंध है, तो आपको संबंध किससे बताना है, मनीष से संबंध बताना है। ठीक है, इस प्रकार अगर क्वेश्चन इस प्रकार घुमा हुआ हो, मनीष का मोहनलाल से संबंध क्या है, तो आपको मोहनलाल से संबंध बताना है कि मोहनलाल का मनीष से क्या संबंध है, यानी इसी व्यक्ति से संबंध बताना है, ना कि मनीष से संबंध कि मनीष का क्या लगेगा मोहन, नहीं, वो नहीं बताना है, आपको बताना है कि मोहनलाल का उससे मनीष से क्या संबंध है। ठीक है, तो जो से लगा हुआ है ना, उसमें जो कनेक्शन है उसी का आपको आंसर देना है, मनीष का नहीं देना है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, अभी इन चीजों को मैं फॉलो करने का तरीका भी सिखाऊंगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार नहीं कहा गया, कुछ भी चीज नहीं कहा गई है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में देखो आप, ठीक है, एन एम की संतान है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एन जो है एम की संतान है, यानी एन जो है एम की संतान है, आप ये तो बना चुके हो, लेकिन एक बात ये बताइए, इस एन के बारे में आपको पता है क्या, ये आपके पास क्या है, ये प्लस है या माइनस है, यानी ये आपके पास कोई व्यक्ति है या कोई गर्ल है, यानी ये मेल है या फीमेल है, आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये बहन है भाई है, तो वो सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिया गया है कि ये आपके पास मेल है या फीमेल है, ये कहीं भी नहीं दिया गया। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ना तो ऊपर वाले के लिए पूछा है कि संतान है, किसकी संतान है, एम की, अब ये भी नहीं कहा गया है कि वो माँ है या पिता है,
नहीं कहा गया ना, तो आपको अगर ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ हो कि वो इसकी माँ है या पिता है, तो वो ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। आपको ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आपको वो टिक लगाना है। ठीक है, जब भी आपके पास संबंध दिया होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एनएम की, तो आपको ना तो एन की बताई गई है कि ये आपके पास बेटी है बेटा है, कुछ भी नहीं कहा गया, और एम के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया कि ये पिता है या माता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ हो कि ये पिता है ये माता है, तो आपको दोनों ही ऑप्शन गलत कर देने हैं, कि हमें दोनों ही के बारे में नहीं पता, तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ चुकी है? हाँ बिल्कुल, अभी मैं बता दूंगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, हर प्रकार से क्वेश्चन दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, घबराइए मत। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ चुकी है। अगर आपके जब भी आपके पास व्यक्ति के बारे में पता हो, तो आपको ही बताना है, ध्यान रखना है। अगर वहां पर आपको मेल या फीमेल के बारे में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले, ये चीज क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार आपको सीधा ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और चीजों को ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी है, एक आगे की बात, संबंधों में जो इकलौते शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ एक से ही होता है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई है, ठीक है, द ओनली सन ऑफ सोहन सोहन फादर्स, यानी कि इसने कहा गया है कि सोहन के जो पिता है, सोहन के पिता का इकलौता पुत्र, तो वो कौन होगा, सोहन के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, बताइए कौन होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। इकलौता पुत्र बताया गया है कि पिता का इकलौता पुत्र, तो खुद सोहन लाल हो गया ना स्वयं, तो आप इसे स्वयं मानना है। ठीक है, ये कई बार होते हैं ना, जो इकलौता दिया होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इकलौते की बात कर रहा है, क्या पता इसका भाई है, या जब इकलौती की बात किया जा रहा है तो इकलौते का मतलब क्या होता है, ओनली फॉर उसका सन। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इसके पुत्र की बात कही गई है, तो आपके पास सीधा सा आंसर हो जाएगा कि इसका पुत्र है। ठीक है, क्लियर है सभी को, नो डाउट। चलो हाँ, खुद अब नीचे वाला देख लीजिए, नीलम की माता की इकलौती पुत्री। ठीक है, तो इकलौती पुत्री की बात कर रही है, माता की इकलौती पुत्री, तो वो स्वयं हो गई है नीलम, तो उसको आप स्वयं लिख सकते हो, सेल्फ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। ठीक है, इकलौते की बात करता है तब तो वो खुद होती है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, सोहन लाल के दादा का इकलौता पुत्र, एक बताइए, सोहन के दादा का इकलौता पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र का मतलब समझ गए हो कि सोहन के दादा है। ठीक है, मतलब उसके दादा के इकलौता पुत्र है, मतलब उसके जो सोहन लाल के जो पिता है उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इकलौते पुत्र की बात भी करें तब भी आपको ध्यान में रखना है कि उसके पिता की बात हो रही है, सोहन के पिता। ठीक है, तो इकलौते की बात जब भी आए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज आपने ध्यान में नहीं रखी है तो आपकी गड़बड़ थोड़ी हो सकती है, क्योंकि आप इकलौते पुत्र की बात करते तो आप चाचा भी कर सकते थे, कर सकते हो ना, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। इकलौती की बात हो उसका मतलब होता है वो स्वयं की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये चीजें ध्यान में रखनी है। नीलम की सास की इकलौती बहू, तो वो खुद हो गई ना, स्वयं हो गई ना। ठीक है, इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, इकलौती की बात जब भी की जाए तो उस पे ध्यान में रखना है। ठीक है, नीलम के नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई, वो नीलम की माँ। ठीक है, नीलम की माँ हो गई है, तो इसका भी आंसर इस प्रकार। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर स्वयं की बात करें या आपके क्वेश्चनों, अब हम पर बात करते हैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो व्यक्तियों पर आधारित संबंध अगर आपको दिए होते हैं तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसके बारे में अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहला मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको अगला वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान में रखिएगा, फिर आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से देख लो। ठीक है, ए मैन सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ मदर्स ग्रैंडसन हुज इज दैट मैन एंड गर्ल। इसमें क्या कहा गया है कि एक आदमी ने कहा है, क्या कहा है, एक आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, एक आदमी ने कहा, यानी आदमी की बात कर रहा है, यह मैंने लिख दिया, एक मैन है यानी आदमी है। ठीक है, आदमी है। ठीक है, एक आदमी ने कहा यह लड़की, यानी कोई भी लड़की है, यह लड़की मेरी माँ। अब इसकी माँ है ना, आदमी की माँ बात कर रहा है ना, मेरी माँ, तो इसकी माँ कहाँ गई होगी, ऊपर। ठीक है, तो इसकी माँ हो गई है ऊपर। ठीक है, यहां समझ में आ चुका है, मेरी माँ के पोते। अब इसकी माँ का पोता कौन सा हो गया, यानी इस आदमी का क्या होगा, या तो बेटा होगा। ठीक है, यानी इस माँ के पोते की बात कर रहा है, पोते। ठीक है, तो इस आदमी का तो क्या हो गया, ये इस आदमी का तो पुत्र हो गया ना, और इसकी माँ का क्या हो गया, ये पुत्र हो गया। ठीक है, पोते की बात कर रहा है, तो माँ के लिए तो ये पोता हो गया और आदमी के लिए पुत्र हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसकी माँ के पोते की पत्नी है,
ये क्या है, इसकी पत्नी है, इस पुत्र की क्या है, पत्नी है, यानी ये जो लड़की है, ये लड़की इसकी क्या हो गई है, पत्नी हो गई है, मतलब इसकी पत्नी हो गई है। इसको तो मैंने डबल लाइन कर दी, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया और इसको डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, यही सिखाया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया पुत्र, पुत्र की है ही पत्नी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, ये है आदमी, ये जो आदमी है आपके पास, इस आदमी का लड़की से, यानी आदमी लड़की का कौन लगता है, कौन लगेगा ये बताइए। ये तो इजी हो गया, लड़की का कौन लगेगा, फादर लगेगा, हस्बैंड लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, या फादर इन लॉ लगेगा। तो सीधा सीधा बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल क्लियर है। यानी उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो बिल्कुल आपका फादर इन लॉ इज राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको इसी तरीके से, इसी पैटर्न से आंसर करना है, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। अगले वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, सभी को आंसर देना है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर मेरे पास नहीं आया हो, ठीक है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन अगले वाला, ठीक है, चलो शुरू हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, चीजें सभी के समझ में आनी चाहिए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसमें दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप वाले भी पूछे जाते हैं, और कई बार क्या दिए जाते हैं, किसी को बताऊंगा मैं अभी आपको हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो हो जाइए शुरू, पहले आपको करना है इसका राइट आंसर, बिल्कुल ससुर इसमें बताना है। अब इसमें देखो इकलौते पुत्र की बात हो रही है, अब आपको बताना है, देखते हैं क्या आंसर होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। अंकल आया है इसमें, फादर, डी भी आंसर आया है, ब्रदर, अंकल, क्या बात है, सभी आ चुके हैं क्या, ए बी सी, चलो ब्रदर, डी भी आंसर, बी आंसर, फादर, देखिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, पहला काम यही बनता है सभी का दोस्तों कि क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, डी और बी में आंसर। चलो देखते हैं क्या बात इसमें कही जा रही है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। इंट्रोड्यूस, शिवानी ने इंट्रोड्यूस कराया, विजय सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ यू, हाउ इज विजय रिलेटेड टू शिवानी, शिवानी का संबंध बताना है, देखते हैं क्या बता रहा है, ठीक है। पहला काम हिंदी वाले भी देख लीजिए, शिवानी का परिचय देते हुए क्या कहा है, शिवानी का परिचय दे रहा है विजय, ठीक है, कौन दे रहा है, विजय ने शिवानी का परिचय दिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। अब एक बात बताइए, विजय ने क्या कहा है, विजय ने क्या कहा, विजय का लिख दिया मैंने नाम, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, एक बात बताइए, इसके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, वो स्वयं ही तो हुआ, ठीक है, उसके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, स्वयं हुआ, तो उसके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, उसके पिताजी का, यानी उसके पिताजी के, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, तो वो स्वयं तो क्या हो गया, स्वयं तो हो गया वो, ठीक है, और उसके क्या हो गए, पिताजी कौन है ये, विजय, शिवानी के, ठीक है, शिवानी के, ठीक है। अब समझ में आया कुछ, तो कुछ समझ में आया, इकलौते पुत्र, आप बताइए कि विजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित है, विजय जो है शिवानी से किस प्रकार संबंधित है, शिवानी के क्या लगेंगे, मैंने क्या कहा, शिवानी से, शिवानी से, तो शिवानी के क्या लगे हैं, ठीक है, शिवानी से क्या लगे हैं, शिवानी के क्या है, पिता, पिता है ना, तो फिर आपने क्या अंकल क्यों किया है, स्वयं, स्वयं, समझ गए हो, भाई क्यों लगेगा भाई, पिताजी है, ठीक है, फादर, कुछ समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके पिताजी के, पिताजी के इकलौते पुत्र बताए जा रहे हैं, तो इकलौते पुत्र तो स्वयं हो गए ना वो, ठीक है, बिल्कुल, अब तो क्लियर है, फादर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर है, चलो डन है सभी का,
बिल्कुल, अब जिसकी गलती हुई है आगे वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें से संबंधित आ गया ना, से का संबंध आ गया ना आपको, कि से अगर पूछे तो किस प्रकार आंसर देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। चलो ये क्वेश्चन आपको बताना है, एक तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं संयोग करता है, वह मेरे मामा के बेटी का भाई है, तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है वो बताना है सभी को। बिल्कुल गुड, बिल्कुल शिवानी से संबंध बताना है। अब इसमें आ जाइए, शुरू कर दीजिए, इसका क्या होगा देखें। बिल्कुल एक ही तरफ आंसर आ रहा है, ए, क्या बात है, सभी का ए, फिर तो गलत होगा ही नहीं, जहां तक है ए ही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखते हैं। एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष यहां पे दिया हुआ है, एक पुरुष की तस्वीर, ठीक है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक पुरुष की तस्वीर है उसकी ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, ठीक है, कौन कहता है, संयोग कहता है, वह मेरे मामा के बेटी का भाई है। पहले यहां से स्टार्ट कर दीजिए, मामा, मामा की, मामा यहां पर लिख देता हूं मैं, मामा सीधा सा मामा लिख देता हूं, ठीक है, मामा लिख दिया मैंने। अब इसने क्या कहा, मामा के बेटी का, यानी यहां पर मैंने, यहां पर मामा की क्या कर दी है, बेटी कर दी है, ठीक है, बेटी कर दी है, और बेटी के लिए क्या कह रहा है, मामा की बेटी का भाई, ठीक है, बेटी का क्या कर दिया है, भाई कर दिया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूं, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये मामा है। अब एक बात बताइए, हम मामा किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी मामा की बहन, जो मामा की बहन है वो हमारी क्या लगी है, यानी संयोग की क्या लगी है, संयोग की माँ लगेगी ना, ठीक है ना, माँ लगी है। चलो कोई बात नहीं, मामा की बहन हमारी हमारी तो माँ है, ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो बहन है, और बहन हमारे तो पिता हो गए, ठीक है, ये तो पिता हो गए, ठीक है, ठीक है, तो इसके क्या लगेंगे, जो ये आपके पास बेटी भाई है, मामा की बेटी और भाई है, वो तो इनके बहन तो क्या लगी है, बहन तो आपकी बुआ लगेगी, ठीक है, और आपके इनके क्या हो गए, फूफा हो गए, और फूफा क्या हो गए। अब देखो इसमें पूछा क्या है, तस्वीर वाला पुरुष संयोग से, यानी जो आपके पास ये भाई वाला है, ठीक है, ये तस्वीर है, ये पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंध रखता है, किस प्रकार संबंध रहेगा इन दोनों के बीच में, किस प्रकार संबंध है संयोग से, तो संयोग से किस प्रकार संबंधित रहेगा, ठीक है, फुफेरा भाई हो जाएगा ना ये, तो इसका किसका भाई हुआ, फुफेरा भाई हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखो अंकल नहीं होगा, मामा नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन तो आपके वैसे वैसे गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का एक करेक्ट आंसर है। अब तो सभी के समझ, देखो डायग्राम आपका किसी भी प्रकार बन सकता है, आपने इस प्रकार बनाया हो चाहे किसी भी प्रकार बनाया हो, डायग्राम बना के ही काम करना है, ठीक है। जिसने डायग्राम नहीं बनाया है तो प्रॉब्लम आपके लिए पक्का 100% खड़ी होगी, ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम से इसके लिए चित्रों में भी आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो समझिएगा, तो आपका राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको आगे, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा कि आपको ही करने हैं फिर, ठीक है, वहां पे घर पे जाके करने हैं, यानी होमवर्क समझ लेना उनको, ठीक है, स्टार्ट हो जाइए। चलो हो जाइए शुरू। ज्योति जी एक बार और समझाइए, ज्योति जी, ज्योति जी वीडियो आप ही के पास रहेगा, यूट्यूब पे जाके वापस देख लेना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर जिस क्वेश्चन में आपको वहां पर जो प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगी, ठीक है, देख लीजिए अभी सोल्व हो जाएगी, आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा,
आंसर सभी को देना है। ए बी सी, क्या बात है। फादर, डी ग्रैंडफादर। अभी पता चल जाएगा आपको, जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना है। देखिए इसने क्या कहा, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, ये मैंने वृद्ध लिख दिया, क्लियर है। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया हमने, ठीक है, कैलाश ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। मान लो कि वृद्ध यहां पर है, कैलाश है, ठीक है, कैलाश मैंने यहां पर लिख दिया है, कैलाश, ठीक है। अब इसकी ओर इशारा कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी ओर इशारा किया मैंने, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसने कहा उसका जो पुत्र है, उस जो वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, यहां पर लिख दिया मैंने, वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है मैंने यहां पर लिख दिया, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र, मेरे पुत्र, यानी इसका भी कोई पुत्र है, ठीक है, इसका भी कोई पुत्र है, कैलाश का भी कोई पुत्र है, ठीक है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब तो मतलब समझ गए होंगे कि जो ये है, जो कैलाश का जो पुत्र है, वृद्ध व्यक्ति के पुत्र का क्या है, चाचा बता रहा है, यानी उसका पुत्र मेरे पुत्र का क्या लगता है, मेरे पुत्र का चाचा लगता है, यानी इसका ये क्या हो गया है, चाचा हो गया है, ठीक है, ये चाचा हो गया है। तो एक बात बताइए, चाचा किसको कहते हैं, यानी इस ये दोनों का संबंध क्या है, भाई का संबंध है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के भाई हैं, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, ये भाई है कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको कि ये इसका भाई है, तभी तो ये चाचा बोलेगा इसको, ठीक है, तभी तो ये चाचा बोलता है इसको, यानी इसका भाई है तभी तो इसको चाचा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बताओ, ठीक है, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है भैया, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति का क्या लगेगा, वो क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा बताइए, वृद्ध व्यक्ति से क्या लगेगा, वृद्ध व्यक्ति का लगेगा पुत्र, क्या लगेगा दोस्तों, पुत्र लगेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पुत्र आपका आंसर होना चाहिए, और कितनों ने आंसर दिया है पुत्र, चाचा लगेगा, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल, कैलाश का भाई हो गया, और कैलाश का भाई हो गया तो आपके पास वृद्ध व्यक्ति का क्या लगा है, पुत्र लगा है, तो आपका राइट आंसर बना क्या, बना नहीं बना, ठीक है, बिल्कुल, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है कैलाश का वृद्ध व्यक्ति से, ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्लियर है क्या, नहीं, वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, पिता नहीं कहो यार, पहले वृद्ध व्यक्ति से रिश्ता क्या है, वृद्ध व्यक्ति का बताना है। अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अंतिम वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, इसने क्या कहा है, अगर इसने कहा है कि वृद्ध व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से, तो वृद्ध व्यक्ति से बताना है, तो वृद्ध व्यक्ति का क्या लगेगा, कैलाश, पुत्र लगेगा ना, बिल्कुल सन। अगर इस प्रकार पूछता कि कैलाश से किस प्रकार संबंधित रहता है, तो कैलाश से संबंध बताता होता तब आप पिता कर सकते थे, समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो, जिसके यहां पर प्रॉब्लम आएगी तो आपको फिर प्रॉब्लम क्वेश्चनों में आएगी ही आएगी, ठीक है, फिर आप उल्टा सुलटा कर दोगे, पिता भी ऑप्शन में है, देखो पिता भी ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, तो क्या लगेगा आपका, पुत्र, ये भी चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये चीज आपको अगर ध्यान में रखोगे तो आपके कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, अब तो नहीं होंगे ना कंफ्यूज, क्लियर है अब तो सभी का, क्या कैसी बातें कर रहे हो, हाफ क्वेश्चन सोल्व किया है, गलत बात है ये तो, ठीक है, क्लियर है अब तो, कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सभी को कर लेना है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, आपके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, घर पे जाके निकालना है, ठीक है। अब आगे मैं तरीके और सिखाता हूं, समूह पर आधारित क्वेश्चन, कौन से, जो समूह पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में अधिकतर ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आएगी तो आपको वहां पर ये चीजें भी कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बाकी जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप सभी को करने हैं, अब हम बात करते हैं समूह पर आधारित, ठीक
ठीक है, किस पर आधारित? समूहों पर आधारित। ठीक है चलो हो जाइए स्टार्ट। पहले एक कुछ समझ लीजिए, पहले मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद में फिर उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले काम, ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ द डी, डी क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, डी इज फादर ऑफ एफ, क्यू इज डॉटर ऑफ एम, हु इज एज अंकल। अब आपको बताना है कि ए का चाचा कौन है, ये बात पूछा गया ना, हु इज एज अंकल, यानी कि ए का चाचा कौन है। चलो अब क्वेश्चन हिंदी वाले भी देख लीजिए, आर डी का भाई है। सबसे पहला काम, आर क्या है? डी का भाई है। चलो मैं आर इस प्रकार लिख देता हूं, आर लिख दिया है और मैंने यहां पर कर दिया है डी। ठीक है तो क्या किया इसने, अब ये जो बोल रहा है ना वैसे करना है। आर क्या है? डी का भाई है, यानी ये भाई है तो इसको प्लस मान लेते हैं कि ये भाई है। अब हमें डी का पता नहीं है कि ये बहन है या भाई है, किसी कुछ भी नहीं कहा गया है, चलो इसको ऐसे कैसा रख देते हैं, अभी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आगे आ जाइए, क्यू आर की बहन है। अब यहां पर देखिए जो क्यू है वो आर की क्या लगेगी? बहन है। तो इस आर की क्या है? ये आर की बहन है भैया। क्यू क्या है? आर की बहन है, मैंने इसको माइनस कर दिया। क्लियर है यहां तक? नो प्रॉब्लम। आगे देखो, ए एफ का भाई है, यानी जो ए है एफ का भाई है, हमारे पास ना तो ए है ना एफ है, इस लाइन को दो मिनट के लिए आप ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है इसको आप ऐसा कैसा रहने दो, इस पे छेड़छाड़ मत करोगी, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे रख दो। आगे बात कर लेते हैं, डी एफ का क्या है? पिता है। अब एक बात बताइए, डी क्या है, एफ का क्या है? पिता है, यानी एफ का पिता है डी, तो इसके नीचे मेरा एफ रख दूं क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डी क्या है? एफ का पिता है, यानी ये आपके पास क्या हो गया है? ये प्लस हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? अब एफ के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया कि एफ आपके पास प्लस है या माइनस है। अब दो मिनट के लिए वापस पीछे आ जाओ, ठीक है, वापस पीछे आओगे यानी हमारे पास एफ आ चुका है। अब आप बताओ ए एफ का क्या है? भाई है, यानी जो ए है वो एफ का क्या लगेगा? वो एफ का क्या है? भाई है ए। ठीक है ए एफ का क्या है? भाई है, मैंने प्लस रख दिया। क्लियर है यहां तक? नो प्रॉब्लम। अब हमारी यहां तक तो सोल्व हो चुकी है, अब आगे आ जाइए, नीचे वाली लाइन में आ जाइए, क्यू एम की बेटी है। किसकी है? क्यू क्या है? एम की बेटी है। क्यू क्या है? एम की बेटी है। एम की क्या कर देता हूं मैं? बेटी कर देता हूं, तो है कि नहीं एम की बेटी? अब एम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि यह आपके पास मेल है या फीमेल है, नहीं कहा गया, चलो रहने दो। आगे बात करते हैं, आगे ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है आपको बताना है, जो ए है आपके पास है इसका चाचा कौन होगा? ये तो ए का पिताजी है, ये डी तो ए का पिता है, और ए का भाई कौन है? आर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका और इसका चाचा कौन हुआ? आर। ठीक है आर क्या हुआ है? चाचा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज और ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का और एफ के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए एफ का क्या लगेगा, ठीक है, भाई लगेगा या बहन लगेगी, तो आप क्या बताओगे? यहां पर आपके पास कुछ भी आंसर नहीं हो सकता, ना तो भाई दिया हुआ है ना बहन। यहां पर या तो आपको दे देता ना कि यहां पर प्लस है तो भाई कर सकते थे, माइनस है तो बहन कर सकते थे, लेकिन यहां पर आपको कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये भाई है या बहन है, तो आप इसका आंसर पुख्ता नहीं दे सकते। यहां पर अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में दोनों आंसर दिए होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर इस प्रकार का भी आंसर आ सकता है, तब तो आप टिक लगा सकते हो। ठीक है अन्यथा आपको अगर अलग अलग दिया जाता है, ए आपको दे दिया मतलब फादर दे दिया, ठीक है, बी आपका सिस्टर दे दिया, सी आपके पास ब्रदर दे दिया, ठीक है, और डी आपके पास इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा? ये डी आंसर होगा, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है ये चीज अगर आपने ध्यान नहीं रखी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है डन है क्या? हाँ अगर आपको कोई भी डिफाइन नहीं किया हुआ है तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है तो ये तो सभी का क्लियर है। ठीक है अगर ऑप्शन इस प्रकार के दिए हो तो, ठीक है, अगर आपको ए और एम के बीच में संबंध पूछता है ना तो भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ भी नहीं कहा गया कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप इसका भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है तो इनमें से आपका क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है डन है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। चलो ठीक है तरीकों को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन चीजों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सभी को आंसर देना है। ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्यों के नीचे एम आएगा या ऊपर,
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्यों के लिए क्या पूछा जा रहा है? क्यों एम की बेटी है, ये देखो, क्यों क्या है एम की बेटी है, तो मैंने क्या कहा, बेटी है एम की, तो एम जो भी पिता हो माता हो उसको ऊपर रखा जाता है, कहा था कि नहीं कहा था, इसलिए मैंने ऊपर रखा है इसको, तो नीचे मत करना, ठीक है। अगर बेटी दी होती ना, यानी क्यू एम की बेटी है, ठीक है, अगर यहां पर दे देते एम क्यू की बेटी है, तब आप नीचे कर सकते थे, ठीक है, चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, सभी को आंसर देना है, ठीक है, सभी को आंसर देना है, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो, चीजें समझने लगे हो अब आप, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ, किसी भी क्वेश्चन में मात नहीं खानी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है, अगर ऐसे सोल्व करोगे तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। दिनेश दिया हुआ है, सुरेंद्र दिया हुआ है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, आंसर सभी को बताना है, सभी आंसर बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है, फिर मैं पुख्ता किसी भी का भी आंसर नहीं देख सकता ना, इसलिए धड़ाधड़ी से आंसर आता है फिर। क्या बात है, मजा आ गया, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, सभी का आंसर, मजा आ गया, फिर तो पक्का है ब्रदर ही होगा, फिर तो पक्का है, देख ही लेता हूं मैं आंसर भी, ठीक है। क्या सभी का आंसर आ रहा है क्या? डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, बिल्कुल। चलो पहले आंसर ही देखते हैं, सॉल्यूशन तो बाद में होगा, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर है, बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कोशिश तो करते ही है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, दिनेश इज द ब्रदर ऑफ सुरेंद्र, ठीक है, दिनेश सुरेंद्र का भाई है, ये रहा मैंने दिनेश लिख दिया, ठीक है, ये दिनेश लिख दिया मैंने, और दिनेश क्या है, सुरेंद्र का भाई है, सुरेंद्र भी मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, भाई है दोनों, ठीक है, प्लस कर दिया दोनों को, ठीक है, दिनेश सुरेंद्र का भाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में साथ चलिए, ठीक है। सुरेंद्र इज द सन ऑफ रेणु, सुरेंद्र क्या है, रेणु का पुत्र है, सुरेंद्र क्या है, रेणु का क्या है भैया, पुत्र है कि नहीं, तो मैंने यहां पर रेणु लिख दिया है, ठीक है, यहां पर मैंने रेणु लिख दिया, क्लियर है। चलो यहां पर रेणु का पुत्र है, रेणु आपके पास लेडीज का नाम रहता है, चलो ये पुत्र हो गया, ठीक है, यहां तक भी ये क्लियर है, यहां तक ये क्लियर है, ठीक है। रेणु इज द सिस्टर ऑफ रूबी, ठीक है, अब इसने क्या कहा है, रेणु रूबी की बहन है, जो रेणु दी हुई है वो रूबी की क्या है, रूबी की बहन है भैया, ठीक है, ये रूबी है, दोनों माइनस कर दिए, ठीक है, रेणु रूबी की बहन है। आगे देखिए, सुधीर इज द सन ऑफ रूबी, इसने क्या कहा है, रूबी का पुत्र है सुधीर, क्या कहा है, रूबी का कौन है, पुत्र है सुधीर, ठीक है, यहां पर मैंने सुधीर लिख दिया है, ठीक है, सुधीर ये प्लस है, ठीक है। आगे देखिए, पुत्र है रूबी का, चलो टेल हाउ इज सुधीर रिलेटेड टू दिनेश, अब इसने क्या कहा है कि जो सुधीर से रिलेटेड रिश्ता बताना है दिनेश का, ठीक है, सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है ये बताना है, तो आप क्या करोगे, राइट आंसर बी, क्या हुआ, डी करेक्ट है, डी तो आपने पहले बता ही दिया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलो अब तो सभी का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन हो, बस चीजें को सोल्व करते चलिए, आसान बन जाएगा आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस आप उसे आप खुद की दिमाग से ही टफ बना देते हो, होता नहीं है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन आप ही को करके लाने हैं, अब नेक्स्ट तरीका मैं आपको और सिखाने वाला हूं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आपको क्या हुआ कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। निम्न सूचनाओं को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अब सूचनाएं भी देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, एग्जाम में भी देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, होगा 100% क्लियर होगा, बिल्कुल कोई भी बाधा नहीं होगी, बिल्कुल। चलो हो जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले, तो
ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन तरीका सिखाऊंगा करने का, फिर आपको करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसने क्या कहा गया है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या बताया गया है, कि जब भी आपके पास जहां भी प्लस की वैल्यू हो उसको क्या मानना है, ए क्या करना है, बी की बेटी है। ये बता दिया ऑलरेडी कि जो आपके पास आगे का ए दिया हुआ है वो क्या है, बी की बेटी है, ठीक है। ये इसका रहस्य है, प्लस का जहां भी अर्थ हो। अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अगले वाली संख्या है ए बी का क्या है, पुत्र है। ध्यान में रखना, ए क्या है, बी दिया हुआ है, ए बी, तो आपको क्या करना है, इसका माइनस का अर्थ होता है क्या, ए बी की पत्नी है, ठीक है। ये चीज आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है पी इंटू क्यू माइनस एस हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले दो चीजों को उठा लो, आगे आगे वाली दो चीजों को उठा लो, पी और क्यू को, ठीक है। अब पी और क्यू आपके पास बीच में कौन से चिन्ह है मल्टीप्लाई का, अब ये देखिए, सेकंड वाला देखिए, ऑप्शन सेकंड वाला हमारे पास इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, जब भी गुणा का चिन्ह हो इसका मतलब होता है जो ए है आगे वाला बी का क्या है, पुत्र है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, पी क्यू का क्या है, पुत्र है, यानी कि क्या है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्या है, क्यू का क्या है, पुत्र है भैया, ठीक है, क्यों का पुत्र है। तो इस प्रकार मैंने लगा दिया, तो कोई किसी को परेशानी हो तो बताओ, ठीक है, क्यों का क्या है, पुत्र है, बताइए, यहां तक तो सभी का क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करूं मैं, इन दो के बीच में कौन सी संख्या है, इन दो के बीच में आपके पास माइनस की वैल्यू है, और माइनस को हमने क्या माना है, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, क्यों जो आपके पास क्यों दिया हुआ है उसको आगे रख लो, ठीक है, क्यों एस की पत्नी है, क्या है, क्यों एस की क्या है, क्यों एस की पत्नी है, एस की पत्नी है मतलब क्यों क्या है, माइनस है, और ये है आपके पास प्लस, ठीक है। पति पत्नी के लिए मैंने डबल जोड़े कर दिए हैं, कमरे में पैक कर दो, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, अब इसका आंसर निकालना है, ठीक है, आंसर क्या होगा देखते हैं। देखो ए ऑप्शन को पढ़ो, एस क्यू की पत्नी है, एक बात बताइए, एस क्या क्यू की पत्नी है क्या, नहीं है ना, ये तो पति है, है? पति देव है ना इसके, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, एस पी के एस पी का पिता है, क्या एस जो है पी का पिता है क्या, बिल्कुल सही बात है, एस पी का क्या है, पिता है, तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। बताइए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कहीं प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी, तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। बाकी और नीचे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा सत्य है पूछा गया है, यहां पर मिल गया तो आपका राइट आंसर, आपका बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। बताओ यहां पर किसी को कोई परेशानी आई हो, ठीक है, नहीं आई है ना किसी को भी कोई परेशानी, नहीं है, डन है सभी का क्लियर, चलो अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे शुरू हो जाइए, अब ये बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, सत्य तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन असत्य बताना है कि असत्य इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब बता लो, ठीक है, कर लोगे सभी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन भी आप ही को करने हैं, ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसीलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हर चीज समझ में आ रही है, अब आपको क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है, आपको एहसास हो जाएगा कि हमने कितनी मेहनत की है या कितनी नहीं की है, ठीक है। आपका ये जो आपका रहेगा क्वेश्चन करिए, जितने मिल सकते हैं उतने करिए, ठीक है, वैसे मैंने इसमें क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जो पूछ रहे थे कि सर पुरानी क्लासे कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए YouTube पे जाओगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, पेज में आपके पास सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, नहीं किया उसने, ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर होम पेज खुलेगा, वीडियो मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासों के बारे में जो भी होगी उसके बारे में, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको क्या होगी, जो भी पुरानी क्लासें हमारे पास बनी हुई है वो सभी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैथ की मिलेगी, आईसीटी की क्लास मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट पेपर की क्लास मिलेगी, पीवाई के एमसीक्यू की क्लास मिलेगी, ठीक है, ये सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपको यहाँ पर मैथ की मिलेगी। अगर 17 अक्टूबर से कोई क्लास देखना चाह रहा है पुरानी क्लासें, तो आपको और भी नीचे जाओगे तो यूजीसी नेट का 17 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है वो क्लासें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लासें, अगर किसी को भी टेक्निकल इशू होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्विज ज्वाइन करने में, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये नंबर ही दे सकते हैं,
ठीक है, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका सॉल्यूशन ये नंबर है, ठीक है। तो सभी को इनपे जाके कॉल करना है, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है क्विज ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। और अपनी साइट का नाम ये है, दिया हुआ सभी को पता है, ठीक है। तो ये थी अपनी जो आज की क्लासे हैं, उन सभी के बारे में बता दिया है मैंने सभी ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। तो आज आपका जो फीडबैक रहेगा, पहले आपने दे दिया है ऑलरेडी, क्या बात है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप सभी के समझ में आए वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सभी के समझ में आएगी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टेक केयर, और रेगुलरिटी बनाए रखना, ठीक है, रेगुलरिटी रखना है, ठीक है, रेगुलर रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक दिन का भी गैप पड़ गया ना आपके बीच में, तो प्रॉब्लम दोस्तों 100% खड़ी होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा किसी भी टॉपिक में, ऐसा ही लॉजिकल रीजनिंग में चलेगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी परेशानी आओ, बेझिझक बिंदास होके पूछेगा, टीचर मत समझ लो, 2 मिनट के लिए जब भी आपको परेशानी आए हो, समझ लो कि हमारे पास अपना दोस्त बैठा है, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे बिल्कुल सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इन चीजों से संबंधित मेरी जो अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, अपना मैं पूरा जोर लगा रहा हूं। तो दोस्तों आपका भी हक बनता है अपने लिए लड़ना, ठीक है, तो अपने लिए लड़ो, और खुद किससे लड़ोगे, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास के अंदर, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, रेगुलरिटी बनाए रखना, मिलते हैं फिर क्लास के अंदर, ओके, बाय बाय।